नमस्कार। आज 8 मई है और मैं राधेश्याम शर्मा मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे हीट वेव के स्पेल की, क्योंकि पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा चुका है। इसके अलावा जयपुर और बीकानेर संभाग में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। अगले 24 घंटों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है, यानी 8 और 9 मई को खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। यानी कि अगले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं अगले 48 घंटों में दर्ज हो सकते हैं। इसके बाद 10 मई को इस सिस्टम का या जो जो हीट वेव का जो स्पेल है वो राजस्थान के उत्तरी भागों में यानी बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि 10 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर जो है वो दोपहर बाद 10 मई को जोधपुर और उदयपुर संभाग की तरफ में आंधी बारिश की गतिविधियों के रूप में शुरू होगा। 11 मई को भी आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज अंधड़, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी दर्ज की जा सकती है और आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में आप देखेंगे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो कुल मिलाकर 11 मई से अगले 3-4 दिन यानी 14 मई तक तापमान जो है वो 42-43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेंगे और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद।